नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पूरे कोरोना काल में जो एक चीज सबके लिए सामान्य रही वो थी सबकी कॉलर ट्यून। डिफॉल्ट कॉलर ट्यून जो थी, जिसमें आपको अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई देती थी जब भी आप किसी को कॉल करते थे और वो कोरोना से जुड़ी सावधानियां और एहतियात बरतने के लिए आपको जागरूक करते थे, इस तरह की आवाज उनकी सामने आती थी। बहुत सारे लोगों को इससे आपत्ति भी थी। आपको याद होगा, एक शख्स ने तो दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख कर लिया था कि अब अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं सुननी है, किसी कोरोना वॉरियर की आवाज हमें सुननी है, या फिर जो लोग फ्री में इसके लिए अपनी आवाज देने को तैयार हो, आप इतना मोटा पैसा अमिताभ बच्चन को क्यों दे रहे हैं। मतलब इस तरह को लेकर, इस पूरी बात को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। हालांकि इन सबके बीच अब अमिताभ बच्चन की आवाज कॉलर ट्यून से हटने जा रही है शुक्रवार से, यानी कि आज से, और कई कई जगह पर ये कॉलर ट्यून हट भी गई है। और अब आपको अमिताभ बच्चन की जगह आवाज सुनाई देगी जसलीन भल्ला की। जसलीन भल्ला जानी मानी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और वो पहले भी कोरोना से जुड़ी कॉलर ट्यून को आवाज दे चुकी हैं। इसके अलावा वो दिल्ली मेट्रो, स्पाइस जेट और इंडिगो की फ्लाइट में भी उनकी आवाज गूंजती है, आपने सुनी होगी। और इसके अलावा वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी रही हैं। आपको याद होगा, स्टार्टिंग में जब कोरोना काल की शुरुआत हुई थी, जब देश में ये महामारी आई थी, उस दौरान सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरह से स्कीम्स बनाई थी, प्लान्स बनाए थे, और उनके तहत कुछ वॉइस ओवर आर्टिस्ट को लिया गया था और उनमें से एक जसलीन भल्ला है। आपको याद होगा कि एक बहुत ज्यादा आपको एक आवाज सुनाई देती थी जिसमें कि आपको जागरूक किया जाता था, और उस ट्यून में यह कहा जाता था कि कोरोना वायरस या COVID-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, मगर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं, उनसे भेदभाव ना करें। अगर आपने कॉलर ट्यून सुनी है तो ये भी जसलीन भल्ला की ही आवाज थी। तो अब आपको जसलीन भल्ला की आवाज सुनाई देगी और वो आपको एहतियात बरतने के लिए नहीं कहेंगी, बल्कि आपको कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूक कराएंगी। अब ये तो सब जानते ही हैं कि 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो रहा है देश भर में और इसके लिए कई जगह पर खेपें भेजी गई हैं। इसी को लेकर, लोगों को जागरूक करने को लेकर जसलीन भल्ला की आवाज में अब नई कॉलर ट्यून आपको सुनाई देगी। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।